हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं फाइंड आउट सिक्स्थ रूट ऑफ एनी नंबर बाय डिवीजन मेथड, यानी हम कह सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट सिक्स्थ रूट ऑफ एनी नंबर विदाउट कैलकुलेटर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम कि यहां पे कोई नंबर है, मान लीजिए एक्स, करेक्ट, और उसका हमें सिक्स्थ रूट कैलकुलेट करना है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x रेज टू पावर 1 अपॉन 6, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए हम सबसे पहले x का स्क्वायर रूट निकालें, क्योंकि 1 अपॉन 2 का मतलब स्क्वायर रूट है, और फिर उसका क्या करें, उसका फाइनली फिर हम जो आंसर आए उसका हम क्यूब रूट निकाल लें। ऐसे भी कर सकते हैं या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, पहले क्यूब रूट निकालें फिर जो आंसर आए उसका स्क्वायर रूट निकालें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहले हम कोई एक नंबर ले लेते हैं 10-12 डिजिट की, और उसके बाद में उसका पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर उसके बाद क्यूब रूट निकालेंगे। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि न केवल इसमें आप सिक्स्थ रूट निकालना सीख रहे हैं बल्कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का भी आपको इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं, नंबर ले लेते हैं, हम कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 3269403737369। इसका हमें निकालना है क्या, सिक्स्थ रूट। तो इसका सिक्स रूट निकालने के लिए 3269403739, इसका हमें सिक्स रूट निकालना है। सिक्स रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए हम निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर रूट, यहां पे लिख लेते हैं 3269403739। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होगा कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम पेयर्स बनाते हैं राइट साइड से, तो इसके दो का पेयर बनाया, फिर टू का पेयर बनाया, फिर ये टू का पेयर बनाया, फिर ये टू का पेयर बनाया, फिर ये टू का पेयर बनाया, और लास्ट पेयर में वन या टू डिजिट जो होती है उसका हम पेयर बना लेते हैं। तो 32 यहां पे, अब हम 32 को देखें, और इसमें फर्स्ट टाइम हम टेबल कैसे पढ़ेंगे, 1 1 द 1 2 2 द 4 3 3 द 9 4 4 द 16 5 5 द 25 6 6 द 36, ज्यादा हो जाता है 32 से, इसलिए हम इसमें एक रिवर्स जाएंगे, यानी 5 5 द 25 यहां लिखेंगे, और 25 लिख करके और यहां पे 32 में से माइनस करेंगे आ जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से ये 69 का पेयर हम यहां पे कॉपी कर लेंगे, करेक्ट, ये हो गया 769, और 5 में ये वाला 5 इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 5 + 5 = 10 हो गया, और यहां पे एक स्पेस के लिए हम जगह खाली छोड़ देंगे। अब देखिए ये 10 से 7 छोटा है, 76 क्या है, बड़ा है, तो 10 का 76 में हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 7 द 70, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहां पे भी 7 आ जाएगा, यानी जो फिगर हम यहां लिख रहे हैं वही फिगर हमें यहां लिखना है। ठीक है, इस बात का हमें जरूर ध्यान देना है अच्छे से। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 107 और 7 को, तो 7 से 7 को करिए तो 7 7 द 49, 4 आया, 7 0 द 0, और 4 कैरी ओवर का था तो 4 यहां पे 4 का 4 आ गया, और 7 1 द 7, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0, और 6 में से 4 गया, क्या बचा, 2 बचा, तो यहां पे 2 बच गया। अब हम इसको 40 को यहां पे, ये पेयर जो है ना ये यहां पे कॉपी कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 2040। ठीक है, और ये 7 हम यहां प्लस करके और यहां ले आएंगे, और 7 7 14, और 0 + 1 1 हो गया, और ये हो गया 114, और यहां पे एक स्पेस हमने छोड़ दिया एस्टिमेशन के लिए यहां पे क्या नंबर आएगा। अब देखिए यहां पे 11 2 द 22 ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम 2 नहीं लेंगे, यहां पे 20 लेंगे, 11 1 द 11, तो यहां पे 1 लिखेंगे और यहां पे भी 1 लिखेंगे, तो ये तो वेरी वेरी सिंपल है, क्योंकि 1141 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें लिख देना है सीधा 1141, करेक्ट। अब हम और आगे बढ़ते हैं, 10 में से 1 गया 9 बचा, 13 में से 4 गया 9 बचा, और यहां पे 9 में से 1 गया तो क्या बचा, 8 बचा,
और यहां पे 2 का 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया, 0 बचा। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अगला वाला जो पेयर जो रह गया है उसको हम ऐसे निकाल उतारते जाएंगे, यहाँ पे कॉपी करते जाएंगे। तो अब ये हमारी फिगर हो गई 8 9 9 3 7। अब हम क्या करेंगे, ये 1 जो है जो यहाँ आया था इसको हम यहाँ प्लस कर लें, और इधर क्या हो जाएगा 1 1 4 2, क्योंकि 1141 में प्लस 1 किया तो 1142 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको देखें, ये 8 तो छोटा है 11 से, तो हम 89 लेंगे, 11 8 88। लेकिन फ्रेंड्स ये एकदम नियरेस्ट लग रहा है, तो इसको क्यों ना हम कैलकुलेट करके देखें। अगर मान लो हम यहां से भी कैलकुलेट करते हैं तो ये 8 4 32 3, 8 1 8 और 3 11, और 8 1 8 और 1 9, यानी ये 90,000 के ऊपर जा रहा है एस्टिमेशन। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक रिवर्स जाएंगे, यानी 8 से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 7 से करेंगे। तो ये आपको कैलकुलेशन करके चेक करते रहना है, और यहाँ पे 7 से करेंगे, 7 7 का कितना हो गया फ्रेंड्स 49, 49 का 9 4 आया कैरी ओवर में, 7 2 द 14 और 4 हो गया 18, कैरी ओवर में आया 1, 7 4 द 28 और 129 कैरी ओवर में आया 2, 7 1 द 7 और 2 9 और 7 1 द 7 का 7 आ गया, क्योंकि कैरी ओवर में यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो ये आ गया 79,989। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो 17 में से 9 माइनस किया तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, 12 में से 8 किया तो 4 बचा, और यहाँ 9 में से 1 उधार लिया था तो 8 हो गया, तो 18 में से 9 गया तो 9 बचा फ्रेंड्स, और यहाँ पे 18 में से 9 गया तो 9 बचा, और यहाँ 8 का हो गया 7, 7 में से 7 गया 0, यानी ये आ गया हमारा 9 9 4 8। अब हमें क्या करना है, ये जो 33 का पेयर है इसको यहाँ पे कॉपी करना है, तो यहाँ पे हम 33 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें ये जो 7 आया था इस 7 को यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 14, और 2 और 1 3, 4 का 4 आ गया, 1 का 1 आ गया और 1 का 1 आ गया, तो ये कितना हो गया 11,434 हो गया। ठीक है, अब हम इसको देखें, यहाँ पे 11 है और 11 से 9 तो छोटा है, तो हम 99 लेंगे, 11 9 द 99। अब देखिए यहाँ पे भी गैस आपका 9 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 9 से ये एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि यहां से आप चेक कर सकते हैं 9 4 द 36, 3 9 1 द 9 और 3 12, 1 9 1 9 1 10, यानी ये 9 लाख की जगह 10 लाख से एक्सीड कर जाएगी फिगर। इसलिए हम 9 इसको क्या करेंगे, 9 से ना करके हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट, और यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 1 4 3 4 8 को, 8 8 द 64 आया 6, 8 4 द 32 और 6 38 आया 3, 8 3 द 24 और 3 27 आया 2, 8 4 द 32 और 2 34 आया 3, और 8 1 द 8 और 3 11, 1 आया 8 1 द 8 और 1 9, यानी ये कितना हो गया 9 1 4 7 8 4। अब हम इसको यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे, 13 में से 4 गया 9 बचा, 12 में से 8 गया 4 बचा, 7 में से 7 गया 0 बचा, 4 में से 4 गया 0 बचा, और यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 बचा, यानी ये हो गया 80049, 80049 हो गया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें 80049 हो गया, इसका मतलब हमें नेक्स्ट ये लास्ट पेयर है, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हम यहीं खत्म कर देंगे, नहीं होता तो डेसिमल के पॉइंट्स तक जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं, 69 यहां पे उतार दिया तो ये हो गया 8004969। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को यहां कॉपी करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। 88 कितना हो गया 16, और 415 और 3 का 3 आ गया, 4 का 4 आ गया, 1 का 1 आ गया और 1 का 1 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है, क्लियर, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको क्लियर। तो ये कितना हो गया 114356। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक स्पेस हमने छोड़ दिया, और यहां पे है 8 छोटा पड़ रहा है 11 से, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 छोटा पड़ रहा है, 80 लेंगे तो 11 7 द 77, और 11 8 88 तो ज्यादा ही होता है, 11 7 द 77 इसमें काफी गुंजाइश है, तो हम इसको 7 से करेंगे तो 7 और यहाँ पे 7 7 7 द 49, कैरी ओवर में 4 आया, 7 6 द 42 और 4 46, कैरी ओवर में 4 आया, 7 5 द 35 और 4 39, कैरी ओवर में 3 आया, 7 3 द 21 और 3 24, कैरी ओवर में 2 आया, 7 4 द 28 और 2 30, और कैरी ओवर में 3 आया, 7 1 द 7 और 3 10, 1 आया, 7 1 द 7 और 1 8। तो इस तरह से ये देखिए हम देख रहे हैं कि पूरा
डिवाइड हो गया, इसका लास्ट पेयर भी ले लिया हमने, तो कंप्लीटली ये डिविजिबल हो गया। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन इज 571787। तो 571787 हम यहां पे लिख लेते हैं, 571787, और इसका हमें निकालना है क्या, अब निकालना है हमें क्यूब रूट, क्योंकि हम स्क्वायर रूट इसका निकाल चुके हैं, तो स्क्वायर रूट हमने पहले निकाल लिया और अब हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्यूब रूट निकालते हैं फटाफट। यहां पे देखिए क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करें, हम सिंपल सा लिखेंगे यहां पे 571787 और इसके 3 3 के पेयर बना लेंगे और इधर इसी तरह से कर लेंगे। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें क्यूब का पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 4 का क्यूब 64, इस तरह से पढ़ते चले जाएंगे। 5 का क्यूब 125 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 तो और 9 का क्यूब 729। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 8 का क्यूब कितना हुआ फ्रेंड्स, 8 का क्यूब हुआ 512 और 9 का क्यूब हुआ कितना, 729। तो हम यहां पे 729 ज्यादा हो रहा है, 729 यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो हम 8 से करेंगे, तो यहाँ पे 8 का क्यूब यहाँ पे लिखेंगे, 8 का क्यूब यानी 8 का 8 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 सो दैट इज कितना हो जाता है 512। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना, 512 करेक्ट, यहाँ पे लिख लेंगे 512। और यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गया तो कितना बचा, 9। यहाँ पे 6 हो गया, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 बचा, और यहाँ 5 में से 5 0। अब हम इस पेयर को उतारेंगे, ठीक है। तो ये पेयर 3 3 का पेयर है 787, यानी ये फिगर हो गई हमारी 597 ठीक है। तो अब इस तरह से इसको हमें क्या करना है, 888 जैसे हमने यहां प्लस किए थे ऐसे ही हमें इधर प्लस करना है, तो 8 + 8 + 8 कितना हो गया, 24 हो गया। अब इसका एस्टिमेशन निकालने का तरीका आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि इसमें से लास्ट की 2 डिजिट हम छोड़ दें, तो ये क्या बचा, 597। तो एस्टिमेशन के लिए हम क्या करेंगे, 597 को ऊपर लिखेंगे और नीचे जो यहां पे आया 24 और मल्टीप्लाइड बाय 8 इसको हम लिख लेंगे और इससे एस्टिमेशन निकालेंगे कितने बार डिवाइड होता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे 597 और ये 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 4 32 8 2 16 और 3 19 कितना हो गया, 192 हो गया, ये कितना हो गया, 192 हो गया। तो अब 192 यानी 19 से अगर हम 59 को डिवाइड करें तो 19 3 57 मतलब 3 point something आएगा ये। तो हम एस्टिमेशन में यहां पे 3 मान लें, एस्टिमेशन में जब हम इसको 3 मानेंगे अगर, तो हम यहां पे पोजीशन बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहां पे पोजीशन क्या बनेगी, ऐसे कुछ बनेगी कि ये 2 4 तो था ही और 3 हमने एस्टिमेशन में लिया, तो एक बार 3, फिर यहां पे दूसरी बार 3 और फिर तीसरी बार 3, जिस तरह से यहां पे 888 लिखा था। और यहां पे ऊपर क्या था, यहां पे हमारा 8 था, तो इसको 8 को हम यहां ले लेते हैं कैलकुलेशन में। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए पहले कैलकुलेशन हम करेंगे, इस 3 को अलग लेंगे, 24 को अलग लेंगे और 8 को अलग लेंगे। मतलब क्या करेंगे हम, 3 × 24 × 8 करेक्ट, 3 × 24 × 8। अब 3 × 24 × 8 में ये देखिए आपका पहले ऑलरेडी आप 24 × 8 निकाल चुके हैं, कितना निकाला था आपने, 192, तो इसको तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, और इंटू 3 था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 2 6 और 3 9 27 का 7 और 3 1 3 और 2 5, तो ये 576 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैं अलग से लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं 576, ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहां पे 576 जो हमने लिख लिया, इसमें हम क्या करेंगे, 2 जीरोज अपनी तरफ से लगा देंगे और इसको हम एंड में, वीडियो के एंड में बताएंगे कि ये जीरोज हमने क्यों लगाए, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो ये 576 और 00 हमने अपनी तरफ से लगा दिए, तो एक स्टेप तो हमारा कैलकुलेशन का ये हो गया। दूसरा एक स्टेप क्या बनता है, एक बार क्या किया हमने, 3 × 24 × 8। अब हम क्या करेंगे, ये 24 और 3 को पूरा एक फिगर मानेंगे, यानी 243 मान लेंगे, तो 3 × 3 × 243, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 × 3 × 243,
तो ये 3 3 या 9 हो जाएंगे, तो 9 से डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9, 9 3 27 कैरी ओवर में आया 2, 9 4 36 और 2 38 कैरी ओवर में आया 2 और 9 2 18 और 8 26 आ गया, 9 9 2 18 और 3 21 हुआ, सॉरी यहाँ पे कितना हुआ 21 हुआ, तो ये 2187 हमारा आ गया कैलकुलेशन 2187, ठीक है। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर ले 9 से 243, तो 2187 आया। तो अब एक फिगर तो हमारी ये थी 57600 और इसको हम एज इट इज 2187 को यहाँ पे लिख देंगे 218 और 7, करेक्ट। इसको प्लस करेंगे तो 7 8 6 + 1 7 और 7 2 9 और 5 का 5, यानी ये आ गया आपका 5 9 7 8 7। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और यहाँ पे क्या आया था हमारा एस्टिमेशन, क्या लिया था हमने 3 लिया था, तो यहाँ पे हम 3 ले लेंगे और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और इसके आगे तो करने नहीं क्योंकि 0 आ गया, यानी ये आंसर में भी यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 एस्टिमेशन में लिया था तो यहाँ पे भी 3 लिख दिया हमने और यहाँ पे भी 3 लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो हमें सिक्स रूट निकालना था, इसका जो सिक्स रूट निकालना था उसका आंसर क्या आ गया हमारा 83 आ गया। और फ्रेंड्स इसको चेक कर लीजिए, ये 83 आएगा। तो हमने विदाउट कैलकुलेटर के ये कैलकुलेट किया। अब बात हो रही थी ये कि हम 00 क्यों लाए इसमें, तो अब देखिए फ्रेंड्स आप सबको पता है, जैसा कि आपको पता है, देखिए अभी सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले को लिखते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² और प्लस y³, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो हमने क्या किया कि इसमें ये क्यूब वाला तो सिस्टम हम यहाँ पे कर ही चुके थे, ये 8 का क्यूब निकाल के, अब हमने इस स्टेप को तो अलग लिखा और इन दोनों स्टेप को क्लब कर दिया। अब इसको हम डिटेल इसका बताते हैं, ये भी इतना ही आएगा, इसको टैली करेंगे आप तो इतना ही आएगा। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, हमने x किसको माना 8 को, तो हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 8 और y किसको माना हमने, y माना है 3 को, तो यहाँ पे अगर हम 3x² y का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू एक्स कितना है 8 इंटू 8 और इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे हम 83 है तो 83 क्या है, टेंस का है, किसका है, टेंस का है, तो टेंस की फिगर जब होती है तो टेंस की फिगर 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और ये दो बार है 10 की फिगर, इसलिए क्या होगा इसमें कि 10 × 10 यानी 100 हम सीधा सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, तो 100 × 3 × 8 × 8 और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 3 × इतना करेंगे कैलकुलेट तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 3 3 9 9 8 72 और 72 8 कितना हो जाएगा 576, ये सेम आ जाएगा 576 और दो जीरो के दो जीरो, तो ये इस तरह से हमने ये दो जीरो लिए हैं, मतलब ये फॉर्मूला ही है। और उसके बाद में हमने इन दोनों को क्लब कर दिया, क्या किया हमने 3, अब देखो इसमें 3 × x² यानी एक बार x आया, यानी 3 × 8 आया तो हमें एक बार यहां पे 10 लेना पड़ेगा, ठीक है, और × y² यानी 3 × 3, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 और ये कितना हो जाएगा 27 और 8 कितना हो जाएगा 216 और 216 और 0 तो 2160 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2160, कितना हो गया ये 2160। और उसके बाद में हम y क्यूब लेंगे, तो y क्यूब यहाँ पे y क्यूब था फॉर्मूले में, ये था y क्यूब, तो y क्यूब हम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y क्यूब मतलब 3 × 3 × 3, अब y तो यूनिट पे है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई तो करना नहीं, तो 3 3 9 3 27, तो इन दोनों को क्लब करें तो आंसर कितना आता है 6 + 2 8 और यहाँ 1 और यहाँ 2, यानी कुल मिला के आप समझ लीजिए कि इसको हमने शॉर्ट में किया, यानी तीन स्टेप को हमने दो स्टेप में डिवाइड कर दिया, तो ये 57600 ये आपका टैली हो रहा है देखिए, और इन दोनों को प्लस करो तो 2187 ये टैली हो रहा है, और इन दोनों तीनों को प्लस करोगे तो इन तीनों का टोटल इतना ही आ जाएगा 59787। ये मैंने इसलिए बताया कि मैंने जब क्यूब रूट की वीडियो डाली थी तो उसमें कुछ लोगों ने ऐसी क्वेरी की है कि सर ये 00 कैसे आता है, तो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो
मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।